हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। इस क्लास में आप एथिल अल्कोहल, जिसे एथेनॉल भी कहा जाता है, इसके बारे में आज आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होगा, इसकी संरचना किस प्रकार बनाई जाएगी और साथ ही साथ इसका निर्माण कैसे करेंगे हम लोग, उपयोग क्या होंगे इसके, भौतिक गुण क्या होंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और ये कितने नंबर का आता है, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस क्लास में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं एथिल अल्कोहल के साथ। हमारी आवाज़ में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, गला पूरी तरीके से ख़राब है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो हम क्या करते हैं कि अणुसूत्र के साथ शुरुआत करते हैं और इसके उपयोग तक आपको सब कुछ बताते हुए जाएंगे। इसलिए और कौन सी रिएक्शन आपको ज़्यादा अच्छे से तैयार करनी है, कौन सी आपको कम अच्छे से तैयार करनी है, इन सभी बातों की जानकारी आज की इस क्लास में आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। आप सभी को पता है कि इसका अणुसूत्र में जो है होता है कितने कार्बन होते हैं, दो कार्बन होते हैं। इसलिए एक कार्बन लेंगे और फिर दूसरा कार्बन लेंगे और इसमें OH लगा देंगे क्योंकि अल्कोहल समूह का होता है। अब आप इसको बैलेंस करना शुरू कर दें तो एक यहाँ हाइड्रोजन होगा, दूसरा यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा और दूसरा हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ CH3 और ये CH2 और ये OH। तो यहाँ पर आप देखें तो ये लिखा है CH3, ये CH2 है और ये OH है। OH हमें यह बताता है कि यह अल्कोहल समूह है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे आप अच्छे से इसका सूत्र तैयार करें आपके एग्ज़ाम में। जैसे जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है, यदि आप ऐसे लिखते हैं कि उसका अणुसूत्र क्या होता है, उसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ज़्यादा अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, आप सफिशियंट लिखें, जो मेन है वही बातें लिखें, बहुत बड़ी कहानी लिखने से आपको कोई नंबर नहीं मिलता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको इसका सूत्र बता दिया। उसके बाद इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं एक कार्बन दो कार्बन, तो यहाँ पर दो कार्बन हो गए। एच कितने हो गए, पाँच, तो एक दो तीन चार और पाँच, तो इस तरीके से पाँच हाइड्रोजन हो गए। और उसके बाद ये OH समूह लगा है, मतलब ये हाइड्रोक्साइड समूह लगा है। तो इस तरीके से आपने जाना कि इसका जो हमने आपको क्या बनाकर दिखा दिया है, इसकी संरचना बनाकर दिखा दी है। अब बात करें कि इसका अणुसूत्र जो है वो 46 क्यों होता है। तो आपको पता है कि इसमें दो कार्बन है, पाँच हाइड्रोजन है और OH लगा हुआ है। तो एक कार्बन का आपको परमाणु भार पता होगा कि एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, इसलिए यहाँ पर दो कार्बन है तो इसका 24 हो जाएगा। उसके बाद पांच हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का पांच होता है, सॉरी एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो पांच हाइड्रोजन का पांच हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएंगे टोटल के टोटल पाँच। और ऑक्सीजन जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है और जो इसका परमाणु भार होता है वो 16 होता है। और उसके बाद एक हाइड्रोजन है तो एक और हमने इसका लगा दिया, तो आप देख सकते हैं कि 16 और एक 17 हो गए, 5 उसमें आपने जोड़ दिया। तो जैसे ही 17 में 5 जोड़ा 22 हो गए, 22 में आपने 24 को जोड़ा, तो आपके टोटल हो गए कितने, 46 नंबर हमको मिलता है। इसका मतलब इसका जो परमाणु अणुभार होता है वो कितना होता है, 46 होता है। तो इस तरीके से आपने इसका अणुसूत्र सीख लिया, इसकी संरचना सीख ली, इसका अणुभार क्या होता है वो इसके बारे में जान लिया। अब बात करें कि ये बनता कैसे है, तो देखिए इसको बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम में मात्र दो विधियों के बारे में लिखना है, जिसमें से NCERT बुक में ये नीचे वाली विधि लिखी है, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं लिखी है, कुछ भी नहीं बताया गया है कि ये कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि आपने देखा होगा कि जैसे कि सिरका बनता है तो कैसे बनता है, जो गन्ने का सिरका बनता है तो गन्ने का जूस निकाल लिया जाता है, कुछ समय तक रखा रहता है और कुछ समय तक रखे रहने के बाद वो चेंज हो जाता है अल्कोहल में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वो जो गन्ने का रस है वो पहले सिरके में चेंज हुआ, फिर सिरके से वो किस में चेंज होने लगता है, अल्कोहल में चेंज होने लगता है, क्योंकि लगातार उसका स्वाद बदलने लगता है। तो कभी क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, कि वो क्यों उसका स्वाद बदलने लगता है?
तो उसमें एक एंजाइम जो है वो उत्पन्न हो जाता है। वो एंजाइम कहाँ से आता है? वो एंजाइम आता है ईस्ट से। अब ये ईस्ट क्या है? ये मार्केट में आपको मिलता है, ये एक तरीके का फंगस होता है। अब फंगस क्या है? फंगस जो है एक तरीके की फफूंद होती है। तो वो कभी कभी आपने देखा होगा कि हलवाई वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आटे को गूंथते टाइम कोई पाउडर उसमें मिला देते हैं। उससे ये होता है कि वो जब गूंथते टाइम उसमें जो पाउडर मिलाते हैं वो फंगस होता है, और उस फंगस के कारण मतलब उस फफूंद के कारण ही आटे से जो हमारी रोटी हो गई या किसी और जो भी पदार्थ को उसको बनाना चाहते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ आपका होगा वो अच्छे से फूल जाता है। ब्रेड आपने देखी होगी, ब्रेड में क्या होता है कि जो ब्रेड होती है ना उसका साइज जो है बड़ा होता है। वो होती रोटी जैसी ही है लेकिन वो पूरी तरीके से आपकी जो है फूली हुई आपको मार्केट से मिलती है। तो उसमें भी क्या होता है, यही ईस्ट इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका साइज ना थोड़ा सा बड़ा हो जाए, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो आप समझ रहे हैं कि ये ईस्ट है, इसी के कारण ही हम लोग क्या, और इसमें बहुत सारे एंजाइम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाइमेज एंजाइम का उपयोग हुआ है, लेकिन इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होता है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। और ये सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या है, हमें ईस्ट से मिलते हैं, मतलब फफूंद से मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज लेने के बाद उसमें हम लोग थोड़ी सी ईस्ट डाल देते हैं, मतलब फफूंद डाल देते हैं। वो फफूंद जो है उसमें से लाइपेज जो आपको लाइपेज एंजाइम भी होता है, लेकिन यहाँ पर जाइमेज एंजाइम जो है उस फफूंद मतलब जो फफूंद से मिला है हमें, वो हमें ग्लूकोज में ग्लूकोज को चेंज करने में मदद करता है, किसमें, अल्कोहल में। तो होता क्या है, चलिए हम इसको बताते हैं, फिर ऊपर वाली रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिएगा, आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है लेकिन हम आपको समझाते हैं, ये C6H12O6, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज में जैसे ही हम लोग ईस्ट डाल देते हैं और ईस्ट से एंजाइम मिलता है, और उस एंजाइम का नाम होता है जाइमेज। तो ये जाइमेज एंजाइम होता है, इस जाइमेज एंजाइम के कारण ही ये C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, आप नीचे यहाँ लिख लीजिएगा नाम, तो ये ग्लूकोज होता है, और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है। ये चेंज होने लगता है, ये किस में चेंज होगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज में जो है ग्लूकोज वो चेंज होगा एल्कोहल में, तो ये C2H5 और OH हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, आपने कहा कि यहाँ पर कार्बन है टोटल के टोटल 6, और यहाँ पर तो 2 हैं, तो एक CO2 गैस भी मतलब इससे CO2 गैस भी निकलने लगती है। अब कार्बन इधर हो गए 2 और एक 3, लेकिन इधर है 6, तो हम इसको 2 से गुणा करते हैं और इसको 2 से गुणा करते हैं। आप देख रहे हैं आपके कार्बन हो गए इधर 4, 2, 6, और इधर हो गए 6, मतलब बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन की बात करें तो 5 और एक 6, और 6 का 2 से गुणा किया तो 12, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 का 2 से किया तो 4, और 4 और ये 2, इस तरीके से ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारा ग्लूकोज ईस्ट के कारण चेंज होने लगा है, किसमें, अल्कोहल में। तो ये NCERT बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है हमारा शर्करा से बनता है, और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है जो हम अभी बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, लिखा हुआ है शर्करा, और ये शर्करा जो होती है मतलब चीनी हो गई, चीनी से बनता है सीरा जो पानी को मिलाने के बाद बनता है, और इस सीरा में हम लोग जैसे ही ईस्ट डालते हैं ये चेंज होने लगता है, किसमें, अल्कोहल में चेंज होने लगता है, मतलब ये एथिल अल्कोहल इससे बनने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एथिल अल्कोहल होती है इसको प्रायः हम लोग अल्कोहल ही कहते हैं, जिसका उपयोग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है। तो इस तरीके से शर्करा मतलब चीनी है, और चीनी से सीरा बना, सीरा में ईस्ट डाला और ये हो गया एथिल अल्कोहल। तो जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आपने देखा हो कि गर्मी से जब बाहर से कहीं से आते हैं तो आप कहेंगे कि जो है बहुत ठंडा पानी पीने का मन होता है, या फिर गर्मियों के दिनों में आप शरबत का इस्तेमाल करते हैं और शरबत में आप चीनी डालते हैं, तो वहाँ से आपको ग्लूकोज मिलता है, वहाँ से एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब जो चीनी होती है उस चीनी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ग्लूकोज पाउडर भी आप गर्मियों के दिनों में उपयोग करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार शर्करा से पहले हम लोगों ने सीरा बनाया, सीरा का मतलब होता है चीनी का पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लिया जाए, जिसको सीरा कहते हैं, और उस सीरा में जैसे ही ईस्ट डालते हैं मतलब कोई हम लोग एंजाइम ले लाना चाहते हैं उसमें, तो वो एंजाइम लाने के लिए ईस्ट डाल दिया, और वो ईस्ट चेंज हो गया किसमें, एथिल अल्कोहल में। तो ईस्ट नहीं, क्या चेंज हो गया, वो सीरा चेंज हो गया किसमें, एथिल अल्कोहल में। किसके कारण चेंज हुआ, ईस्ट के कारण चेंज हुआ। तो आपने देखा कि ये हम लोगों ने निर्माण कर लिया किसका, हाँ, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लूकोज के किडवन
द्वारा भी एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। अब ये किडवन क्या होता है, देखिए किडवन ये एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो है एंजाइम आता है, और एंजाइम में मतलब वो फफूंद हो गई, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह जो, उससे हम लोग क्या करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। और किडवन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, उनके कारण किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जाता है। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको ही हम लोग किड्व कहते हैं, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो अंग्रेजी में कहलाती है फर्मेंटेशन, और इसे अंग्रेजी में किडवन कहते हैं। मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाए तो उस प्रक्रिया को कहेंगे किडवन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनने की, जो पूरी प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग किडवन कहते हैं। और जो इसमें एंजाइम होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, किडव कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार ग्लूकोज से हमारा क्या बन चुका है, एथिल अल्कोहल बन चुका है। मेरी आवाज़ ज़रूर आज थोड़ी सी धीरे है, मैं अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बोलूँगा तो आवाज़ थोड़ी देर तो अच्छी आएगी लेकिन उसके बाद बहुत ख़राब आएगी। फ़िलहाल अभी नॉर्मल डेज़ की तुलना में आवाज़ मेरी बहुत अलग है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना बोलें ताकि आपको रेगुलर क्लास मिल सके, और आप खुद ही देख रहे हैं कि हम आपके सामने किस तरह से बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने एथिल अल्कोहल तो पढ़ लिया है, और इसके एक गुण के एक प्रिपरेशन, मतलब एक जो हमारी बनाने की विधि है उसके बारे में भी पढ़ लिया है। लेकिन एक विधि हम और बताएंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज मतलब चीनी से एथिल अल्कोहल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें वक्त लगेगा, और क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी सी धीरे होती है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एथिल क्लोराइड लेते हैं। और एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, एक कार्बन दो कार्बन, तो एथिल वर्ड हो गया, और ये क्लोराइड मतलब ये एथिल क्लोराइड है। और इसका अगर नाम दूसरा नाम लिखा जाए तो सबसे पहला नाम तो इसका एथिल क्लोराइड होगा, और दूसरा आपको पता है कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्लोरीन है, मतलब सीएल है, जिसको क्लोरो कहेंगे, तो क्लोरोएथेन नाम इसका भी हो सकता है, मतलब ये क्लोरोएथेन भी कही जा सकती है। तो देखिए जितना मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर दे दिया है, और अभी तो ये रिएक्शन बाकी ही हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझना है, इनको हम पूरा बोर्ड साफ़ करके ही बताएंगे, इसीलिए मैंने ये रिएक्शन अभी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे क्या बताना है ये मैंने पहले से लिख रखा है। तो आप देख रहे हैं कि एथिल क्लोराइड है जिसे हम लोग क्लोरोएथेन कहेंगे, इसमें जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तो ये बन जाता है। देखिए अब कैसे बनता है समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए ये लिखा है CH3 और CH2 और Cl, अब हो गया ये Na और OH, ये NaOH हो गया। अब ये इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो प्रकार के आयन हैं, एक ये हमारा CH3 और CH2, इसको हम प्लस लगाकर अगर ऐसे लिख दें, और ये Cl हो गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो आयन है ये एथिल आयन है, और इसको आप देखें तो ये क्लोराइड आयन है। अगर इसको देखें ध्यान से तो ये सोडियम आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने आपस में कर ली है लड़ाई, मतलब एथिल क्लोराइड के, क्लोराइड और एथिल दोनों की हो गई लड़ाई, दोनों हो गए ब्रेक। अब ये दोनों जब यहाँ से ब्रेक होके ये आयन अलग अलग हो जाते हैं और ये भी अलग अलग हो जाते हैं, तो होगा क्या कि ये जो Cl है ना वो Na के साथ चला जाएगा और जो OH है वो इसके साथ चला जाएगा। मतलब यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई है, एक यौगिक ने अपने आयन की अदला बदली कर ली है दूसरे के साथ। तो इसका मतलब अगर ये CH3 CH2 और OH हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा, और Na और Cl दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, साल्ट बना देंगे, मतलब ये हमारा लवण हो जाएगा। तो इस तरीके से ये NaOH होगा जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, और ये क्या बन गया है, ये एथिल अल्कोहल बन गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये एथिल अल्कोहल कैसे बना, ये रिएक्शन भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको देखें। और इसको बनाने की कम से कम 10-12 विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ यही दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको ही आप प्रिपरेशन इनकी कीजिए और अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है बनाने की विधि तो आपको समझ में आ गई होगी, अब बात करें इसके उपयोग के बारे में। तो देखिएगा उपयोग के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला इसका उपयोग जो है वो है इसका रंगहीन होना, मतलब ये कलरलेस होता है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि सर जब ये कलरलेस होता है तो जो अल्कोहल की बॉटल आती है उसमें वो कलर कैसे आता है,
वो कलर ना उसमें अलग से मिलाया जाता है, मतलब आप समझ लीजिए कि वो कलर अलग से मिलाया जाता है जो एथिल अल्कोहल होती है। जब आप कभी लैब में प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो उसको देखेंगे आप, तो उसका कलर बिल्कुल आपका, देखिए मेरी आवाज़ आज कम है इस वजह से बाहर की नॉइज़ ज़रूर आ रही होगी, लेकिन आज के लिए बस मैम क्षमा चाहेंगे कि आप लोगों को वीडियो में दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है इसलिए। हाँ, तो बात करें कि ये कलरलेस क्यों होती है, बाहर से इसमें कलर मिलाया जाता है लेकिन जब आप लैब में जाएंगे ना तो ये कलरलेस मिलेगी, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होगा, ये पूरी तरीके से रंगहीन होगी, बिल्कुल वाइट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे कि आपका वाटर होता है। बस वाटर और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा वाटर से ज़्यादा होगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि वो थोड़ा सा पतला होता है, तनु होता है और ये थोड़ा सा सांद्र होगा। लेकिन यदि आप इसमें वाटर मिला दें तो आप सभी को पता है कि वाटर अगर इसमें मिलाएंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएगा, मतलब ये वाटर में विलय है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये वाटर में विलय है। अब ये हमने आपको बता दिया कि ये जल में विलय है। अब उसके बाद इसका सबसे अच्छा गुण ये होता है कि ये जितने भी कार्बनिक जो यौगिक हैं, जो भी आपका कार्बनिक यौगिक होगा, उन सब को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, मतलब कि ये एक बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है। और विलायक क्या होता है आपको पता ही है कि विलायक वो होता है जो अपने अंदर सबको घोलता है, मतलब विलय को घोलता है। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विलय का काम करते हैं और इसके अंदर घुल जाते हैं। तो उम्मीद है इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम ये माइक थोड़ा सा कर लेते हैं अपना ऊपर ताकि आपको और अच्छी आवाज़ समझ में आए, फ़ैन की नॉइस ना आए। तो इस तरीके से ये एक कार्बनिक विलायक है जो अपने अंदर सभी कार्बनिक यौगिकों को घोलने की क्षमता रखता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे पेंट होता है ना, तो पेंट को अगर हम लोगों को हल्का करना होता है तो उसमें एक अलग से हम लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड और मिला देते हैं। तो उसका इसको भी मिलाकर काम चल सकता है, मतलब ये एक अच्छा सा कार्बनिक विलायक है। और उसके बाद ये सल्फर को भी अपने अंदर घोल लेगा, गोंद को भी घोल लेगा, और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में होता है। क्लोरोफार्म के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उपयोगों की भी तो बाद में बात करते हैं। उसके बाद ये ज्वलनशील होता है, मतलब रंगहीन होने के साथ साथ ये ज्वलनशील होता है। आपने देखा होगा इस टाइम लॉकडाउन में सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि सैनिटाइज़र क्या होता है, और यदि आपके पास सैनिटाइज़र है और उसको आप आग के पास लेकर जाएंगे तो हो सकता नहीं है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जलने लगेगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल होती है। और जो आपको आजकल सैनिटाइज़र मिल रहे हैं उसमें 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिल रही है। यदि आपके पास कोई अभी देख रहे हैं कि आपके पास अगर कोई यहाँ पर रखा हुआ है हमारा सैनिटाइज़र, उसमें आप देखें कि क्या क्या उसमें यूज हुआ है, तो आप देखेंगे कि 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल उसमें है। अभी आइसोप्रोपिल क्या होता है इसके बारे में तो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आइसोप्रोपिल के बारे में तो प्रोपिल तो पता है लेकिन आपको आइसो वर्ड नहीं पता है, तो वो कार्बन की डिग्रियाँ होती हैं जो आप आगे पढ़ेंगे कभी। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि उसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल मौजूद होता है 70%। उसके बाद इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो ये सब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें गंध कितनी ज़्यादा अजीब सी होती है, कि जो लोग जैसे ड्रिंक किए होते हैं तो वो तो आप खुद ही सोचिए कि 100% अगर अल्कोहल पी लिया किसी ने तो तुरंत मर जाएगा वो। लेकिन वो जो अल्कोहल जो ड्रिंक के रूप में यूज होती है उसमें बहुत कम परसेंट होती है, जैसे कि आपकी बियर की बॉटल होती है, वाइन वगैरह, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत कम मात्रा में 0.5% अल्कोहल होगी उसमें, बाकी अन्य पदार्थ होंगे, जूस वगैरह होंगे उसमें, तो उस तरीके से। और ये स्वाद में तीखा होता है, अब मैंने तो कभी नहीं पिया लेकिन मुझे पता है कि हाँ ये स्वाद में तीखा होगा, मैंने पढ़ा ज़रूर है। उसके बाद बात करें इसकी रासायनिक गुणों की, तो अब ये दोनों जो रासायनिक गुण है ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम आपको उपयोगों को समझा देते हैं। इसका उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में होता है और साथ ही साथ इसका उपयोग पेंट बनाने में भी होता है, फिर उसके बाद सल्फर बनाने में, और सल्फर मतलब उसमें विलायक के रूप में काम करता है और गोंद के विलायक के रूप में काम करता है। गोंद जैसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें मिला दिया तो वो पतला हो गया। उसके बाद इसका बहुत बड़ा जो है उपयोग है वो है मदिरा, शराब में, और इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात,
ये जो अल्कोहल होता है ना, ये सीधे हमारे जो हमारा लीवर है ना उस पर अटैक करता है। जो हमारी मेटाबॉलिक फैक्ट्री होती है, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक फैक्ट्री का मतलब उपापचयी जो जितनी क्रियाएं होती हैं वो हमारे लीवर में होती हैं और लीवर पे ये अटैक करता है। यही रीज़न है कि जब आप शराब का सेवन करते हैं या कोई भी शराब का से आप तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब कोई भी शराब का सेवन करता है तो इसमें सबसे पहले जो इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में वो लीवर पे पड़ता है, और जब लीवर ख़राब होता है तो फिर सारी बीमारियां वहीं से उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारा हानिकारक पदार्थ होता है। इसे पीना बिल्कुल निंदनीय है, इसको नहीं पीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत जो लीवर होता है ना वो वर्सेटाइल होता है, मतलब सारी क्रियाएँ इसमें हमारे ऑर्गन का मतलब क्या होता है, अंग होता है, मतलब जो सारी क्रियाएँ होती हैं जो हमारी बॉडी में वो सारी के सारी जुड़ी हुई हैं किससे, लीवर से। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट मेरी बॉडी का है, ऑर्गन मेरी बॉडी का है, मेरी बॉडी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग जो है वो लीवर है। और सबसे बड़ी बात कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में यकृत बोलेंगे, तो वो जो यकृत होता है ना वो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा यकृत होता है वो हमारा सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है मेरी बॉडी का। तो उस तरीके से ये आपने पढ़ लिया, और उसके बाद आपको हम कुछ और बताएंगे जो आपकी 100, ये आप नोट लिख लीजिएगा, जो आपकी 100% अल्कोहल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। देखिए ये सब बातें आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आप इन सब के बारे में जानें। तो ये 100% अल्कोहल जो होती है वो परिशुद्ध अल्कोहल, और उसके बाद रासायनिक गुणों को तो बताएंगे ही, और जो आपकी 95% अल्कोहल हो उसमें, और बाकी 5% अगर इसमें वाटर हो, मतलब पानी 5% हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग परिशोधित अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशोधित अल्कोहल कहते हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब आप कभी लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अल्कोहल से परीक्षण करना होगा। लेकिन जो लैब में क्या होता है कि मान लीजिए कि लैब में रखा हुआ है अल्कोहल और लैब असिस्टेंट का पीने का मन है तो उसने उड़ा दिया, तो इन सभी मतलब सरकार ने क्या किया कि इन सभी मतलब ये सब चीज़ें ना हो पाएँ, तो इन सब से बचने के लिए सरकार ने कुछ उपाय निकाला। उसने सोचा कि हम उस अल्कोहल में कुछ ऐसा मिला दें कि वो अल्कोहल ना पीने योग्य ही ना रह जाए। तो ऐसी अल्कोहल जो पीने योग्य ना रह जाए उसे मेथलीकृत अल्कोहल कहते हैं। और वो क्या होती है, जब हम लोग परिशोधित अल्कोहल में, बहुत ध्यान से देखिएगा ये सब हम आपको जो बातें बता रहे हैं नोट कर लीजिएगा अलग से, परिशोधित अल्कोहल में जब हम लोग क्या क्या मिला देते हैं, मान लीजिए आपने पिरिडीन मिला दिया, क्या मिला दिया, पिरिडीन मिला दिया, तो ये जो पिरिडीन होता है ना ये भी एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है। और इसके बाद मेथेनॉल मिला दिया, क्या मिला दिया, मेथेनॉल मिला दिया, मतलब मेथिल अल्कोहल मिला दिया, तो हम इसको मेथिल अल्कोहल लिखते हैं। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप एथिल अल्कोहल को पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ परसेंट अगर उसका जली विलयन बनाया जाए तो पीने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से मेथिल अल्कोहल को भी पी लिया तो तुरंत आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये एक बहुत जहरीला पदार्थ होता है मेथिल अल्कोहल, इसलिए इसको पीना नहीं चाहिए। तो सरकार ने इन सभी से बचने के लिए कि एथिल अल्कोहल के रासायनिक और भौतिक गुण भी ना परिवर्तित हों और ये पीने योग्य भी ना रहे, तो इसको बचाने के लिए कि इसका गलत उपयोग ना हो तो मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं, ताकि प्रैक्टिकल वगैरह करने के लिए हमारी अल्कोहल बची रहे, ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि और इस अल्कोहल में मतलब परिशोधित अल्कोहल में अगर हम लोग मेथिल अल्कोहल या पिरिडीन मिला दें तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, आपको मैंने पहले बताया, इसे बोलते हैं मेथलीकृत अल्कोहल। क्या बोलते हैं, मेथलीकृत अल्कोहल। तो आप समझ गए हैं कि जब इसमें मिला दिया जाएगा तो ये मेथलीकृत अल्कोहल हो जाएगी। और उसके बाद एक और होता है कि अगर हम लोग, हाँ इसी मेथलीकृत अल्कोहल को हम लोग
विकृत अल्कोहल भी कहते हैं। तो इन सब बातों को जब आप अपनी कॉपी पर अच्छे से लिखेंगे तो हाँ, इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे देंगे। तो इन सब बातों को जब अपनी आप कॉपी पर लिखेंगे तो एक गलत इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा, एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी बातों को लिख रहे हैं जो आपको बुक में नहीं दी होती हैं, और दी होती हैं तो इन सभी बातों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए यदि जो इतने टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए, इतने पॉइंट बताए हैं, अगर आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी कॉपी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी, और साथ ही साथ आप बहुत सारे नॉलेजफुल फैक्ट्स को अपने अंदर जो है यहाँ पर सेट कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप पूरा अल्कोहल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। देखिए, अल्कोहल के रासायनिक गुण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में दो हैं। दो से हम तीन कैसे बनाएंगे, और वो जो दो से तीसरा बनाएंगे ना, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। शुरुआत करते हैं सोडियम के साथ और आपको बताते हैं कि इसका रासायनिक गुण क्या होता है। पहला पॉइंट, इसका रासायनिक गुण, जब ये सोडियम से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है, सोडियम से जब ये क्रिया करता है तो क्या होता है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। यह है हमारे पास, जो क्या लिखा है हमने आपके पास सामने बोर्ड पर लिख दिया है, ये अल्कोहल है। और कौन सा अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है। और जब एथिल अल्कोहल आपका क्रिया करता है, किससे करता है, सोडियम से, तो क्या बनता है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। आपने एसीटेट आयन याद किया होगा, CH3, क्या CH3, COO-, ये एसीटेट आयन होता है। इसी प्रकार एक और आयन होता है जिसे हम लोग एथॉक्साइड आयन कहते हैं, CH3, CH2 और O-, इसे हम लोग एथॉक्साइड आयन कहते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप अपनी कॉपी पे रेड लाइन के ऊपर लिख लीजिएगा कि ये एथॉक्साइड आयन होता है। ये एथॉक्साइड आयन जब सोडियम से, अगर मान लीजिए आप इसके साथ यहाँ पर सोडियम लगा दें, तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। देखिए कितना अच्छे से मैंने इसको बताया कि आप अगर एथॉक्साइड आयन आपको याद है, अब देखिए होता क्या है, इन दोनों में ना हो गई लड़ाई, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये ब्रेक होने लगता है, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो इस प्रकार बन जाएगा, इतना पार्ट जो है वो ये होगा, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ये इतना पार्ट हो गया और ये हाइड्रोजन आयन हो गया। अब ये क्या है, सोडियम है। अब सोडियम आता है, और सोडियम आपको पता है कि सोडियम जो होता है वो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। अब ये सोडियम सोचेगा कि बेचारा एथॉक्साइड अकेला है, लाओ हम इसके साथ रिएक्शन कर लें, बॉन्ड बना लें, और कोई नया यौगिक बना लें, कोई नई फैमिली बना लें, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो क्या हुआ कि ये जो एथॉक्साइड आयन है, जब सोडियम इसमें जुड़ जाता है तो ये ऐसे हो जाता है, CH3, CH2 और उसके बाद O, और ये Na हो जाता है। इसका प्लस चार्ज और इसका माइनस चार्ज खत्म हो गया। अब बेचारा हाइड्रोजन क्या करे, अब इसे ध्यान से समझिए। हाइड्रोजन ना यहाँ से जैसे ही ब्रेक होता है, एक तो बेचारा जैसे ही ब्रेक हुआ ना, तो इसके पास +1 चार्ज हो गया। अब ये इसके ऊपर जब +1 चार्ज हो गया, तो ये जब बेचारा उससे जुड़ा होगा ना, किससे, एथिल अल्कोहल से, तो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद उससे जुड़ा होगा। इसका मतलब अब जैसे ही एथिल अल्कोहल के इस वाले पार्ट ने हाइड्रोजन का त्याग कर दिया, तो इसके पास तो एक हाइड्रोजन था नहीं, लेकिन सोडियम कहता है हाइड्रोजन से कि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके उसके साथ जुड़ने की कोशिश की है, तो जो मैंने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है वो तुम ले लो, और तुम लेने के बाद चुपचाप एक किनारे बैठे रहो। समझ में आई ना मेरी बात, कि जो इलेक्ट्रॉन, अब देखिए बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कि अगर ये सोडियम आयन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये तो हो गया संतुष्ट, सेटिस्फाइड होकर किनारे हो गया। लेकिन हाइड्रोजन ऐसे अगर आप लिखोगे तो सही नहीं है। अब आप पूछें कि ऐसे क्यों नहीं सही है, ऐसे इसलिए नहीं सही है क्योंकि हाइड्रोजन एच, सिर्फ एच नहीं होता है, H2 होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए यहाँ पर दो होना ज़रूरी है। अगर यहाँ दो होना ज़रूरी है तो इसका मतलब तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई फेल, क्योंकि यहाँ पर दो हो गए, तो अब हमें यहाँ पर दो से गुणा करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ दो से गुणा किया तो दो एथॉक्साइड आयन हो गए, तो हमने दो कर दिया। अब दो एथॉक्साइड आयन हो गए तो इसका मतलब हमको दो सोडियम चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक तो ये है दो एथॉक्साइड आयन, और यहाँ पर भी दो
एथॉक्साइड आयन और सोडियम जुड़ गया तो ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम बराबर यहाँ से दो से गुणा करने के बाद दो हाइड्रोजन निकले थे, वो दोनों हाइड्रोजन यहाँ आ गए। अब ये बना क्या, ये था एथॉक्साइड और ये सोडियम, तो यहाँ से बन गया हमारा सोडियम एथॉक्साइड। उम्मीद है इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये कैसे सोडियम एथॉक्साइड बना हुआ है और ये क्या बना है, ये बनी है हाइड्रोजन गैस और ये एरो लगा दिया हमने। इस एरो का मतलब होता है गैस बना, बनी और बनने के बाद बाहर उड़ गई। तो अब मेरे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए सोडियम का टुकड़ा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जो है देख सकते हैं कि गूगल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा कि क्या इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। एक हम लोग बीकर ले लेंगे, मान लीजिए कि ये एक तरीके का, आप यहाँ पर ऐसे बीकर ले लेते हैं, ये फ़िलहाल सैनिटाइज़र है। इसके बाद इसमें हम लोग एल्कोहल भर लेते हैं और जैसे ही सोडियम का छोटा सा, हाँ घर पर करने की कोशिश मत कीजिएगा, धमाका हो सकता है, क्योंकि सोडियम जो है ना, आपको पता है कि अगर सोडियम को पानी में डाल दिया जाए तो आग लग सकती है, लग सकती नहीं, लग जाएगी। तो हम क्या थे ना, जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते थे तो क्या हुआ कि वाश बेसिन वहाँ पर लगा होता था, लैब की वो सीट बनी होती थी और उसमें जो है हम लोगों को सीट अलॉट थी, वहाँ प्रैक्टिकल हम लोग करते थे। तो हम क्या करते थे कि जैसे कि मैंने देखा कि सर थोड़ा सा बाहर है, मैंने वो जहाँ वो वाश बेसिन का नीचे वाला हिस्सा बंद कर दिया कि पानी नीचे ना जाए, पानी गया भर उसमें। अब सोडियम टुकड़ा सर से लेके आते थे और उसमें डाल देते थे, आग लगाते थे, क्यों, सर्दी के दिन थे, प्रॉब्लम तो होती थी ना। अब वो आग लगा के धमाका नहीं होता था क्योंकि छोटा सा टुकड़ा डालते थे और इतनी भयंकर आग उससे जलती थी, क्योंकि लैब में आग तो नहीं लग सकती है, क्योंकि वो ऐसे ही लैब जो है उसी टेम्परेचर पे बनाई भी जाती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि उसमें आग ना लगे। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल मैंने बहुत सारे किए हैं कि हाँ खेल मैंने किए हैं। लैब में ना मैंने बैठकर चाय भी बनाई है, लैब में बैठकर चाय भी मैंने बनाई है और चाय बनाने के बाद खुद भी पी है और ख़ुद भी पीने के बाद साथ साथ मेरे दोस्तों ने भी पिया है और प्रैक्टिकल भी खूब किए हैं, पूरे पूरे दिन प्रैक्टिकल किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाँ ये सिंबल किसका होता है, गैस का होता है। इसी प्रकार एक ये सिंबल भी होता है, ये सिंबल होता है अवक्षेप का। देखिए बता दे इसलिए रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब गैस होता है और इसका मतलब अवक्षेप होता है। अवक्षेप क्या होता है, अंग्रेजी में इसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आप अगर चूने को लेकर किसी भी टेस्ट ट्यूब में डाल दें या फिर ग्लास में डाल दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना कि उसमें नीचे एक जो है थक्का जम गया और ऊपर पानी पानी बचा हुआ है। या फिर आप दही को देख लें, कुछ समय तक रखा रहता है नीचे थक्का ऊपर पानी, ऐसा होता है ना, तो जो नीचे थक्का बन जाता है उसे अवक्षेप कहते हैं, अंग्रेजी में उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एरो से ही आप सब समझ गए। तो इस तरीके से ये बन गई हमारी सोडियम एथॉक्साइड। अब इसका हम दूसरा रासायनिक गुण पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका दूसरा रासायनिक गुण क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। कंसनट्रेट H2SO4 से अगर हम लोग क्रिया करवा दें, किसकी क्रिया करवा दें, एल्कोहल की, तो आखिर क्या होगा, बहुत ध्यान से इसको देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कंसनट्रेट H2SO4, पहले पॉइंट कि अगर हम लोग एथिल एल्कोहल ले लें, मतलब CH3 और CH2 और OH ले लें और कंसनट्रेट H2SO4 ये ले लें, ठीक है, ऐसे आप समझने की कोशिश यहाँ पर कीजिएगा। तो क्या होगा कि जो ये हमारा एथिल एल्कोहल है, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए रिएक्शन आप ना एग्ज़ाम में रट नहीं सकते हैं, आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एथिल एल्कोहल है और ये H2SO4 है। अगर हम इस H2SO4 को इस प्रकार लिख दें तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बताओ, H2 और SO4। अब आप इसे अगर ध्यान से देखें तो ये इतना मिलाकर बन गया पानी, यहाँ से ये वाटर निकल गया है ना, आप समझ रहे हैं कि क्या बन गया, इतना मिलाकर बन गया पानी, ये H2SO4 ही था। उसके बाद हमने एरो लगाया। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो H2SO4 था, अब यहाँ से बन गया वाटर, मतलब इतना बन गया, ये वाटर निकल गया बाहर, तो ये हो गया H2O, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये CH3 बचा, CH2 बचा, HSO4 बचा, क्या बचा, CH3 बचा, CH2 बचा और HSO4 बचा। आपने पढ़ा है कि जो SO4 होता है उसकी वैलेंसी -2 होती है, लेकिन जो HSO4 होता है उसकी वैलेंसी -1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सल्फेट आयन है और ये बाई सल्फेट आयन है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी कहते हैं। तो यहाँ से जो मिलकर बनेगा हमें, वो क्या बनेगा, मतलब मिलकर ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पानी को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 HSO4। इसका नाम क्या होगा, इतने का नाम आपको पता है एथिल होता है
और एथिल के बाद ये आपका हाइड्रोजन है जिसको बाई भी कह सकते हैं। तो ये एथिल और ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया सल्फेट, लेकिन और ये आपको पता ही है कि जल हो गया। अब हुआ क्या कि ये प्रोसेस इतनी एक बार में नहीं होती, मैं अंदर की बात बताते हैं। ये एथिल एल्कोहल है और एथिल एल्कोहल में जैसे ही H2SO4 डालते हैं उसका निर्जलीकरण हो जाता है। अब ये निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण का मतलब है पानी इससे गायब हो जाएगा। तो देखिए पानी निकला लेकिन अभी माना नहीं है। कौन नहीं माना है? H2SO4। वो कहता है जब तक मैं उसमें जाऊंगा और जाने के बाद पूरी तरीके से मैं भी बाहर आ जाऊं, मतलब मैं किस में जाऊं? एल्कोहल में जाऊं और मेरा कोई उपयोग ना किया जाए। तो यहाँ तो उपयोग हो गया, अब देखो क्या होगा। अब ये जो बना है ना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम लोग लेंगे फिर से। तो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमने ले लिया, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ टेम्परेचर भी हम बोर्ड पर लिखेंगे। तो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ले लिया और उसके बाद फिर से इसमें क्या मिलाते हैं? फिर से हम लोग इसमें मिला देते हैं CH3, CH2 और OH, ऐसे मिला दिया। अब जब ये फिर से मिला दिया तो ये होगा क्या? फिर से अब इससे H2SO4 बाहर जाएगा। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा इतना वाला पार्ट और ये हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों मिलाकर H2SO4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2SO4 बना लेंगे। उसके बाद क्या होगा? देखिए ध्यान से, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। बचा क्या? CH3 बचा, CH2 बचा। तो हम यहाँ लिखेंगे CH3 लिखा और CH2 लिखा। अब समस्या इस बात की है कि जो ये CH3 और CH2 लिखा हुआ है, अब यहाँ से जो O है, बहुत ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2, अभी मैंने आपको बताया था कि CH3 और CH2 प्लस 1 होता है और जो CH3 यहाँ पर लिखा है CH2, लेकिन O भी है तो O यहाँ माइनस 1 होगा। लेकिन आपने पढ़ा कि O के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं। तो एक बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है O और सिंगल बॉन्ड इधर खाली है। अब ये उठा के इसमें जोड़ दिया जाता है, मतलब ये पूरा घुमा के इसमें जोड़ दिया। तो ये इस तरीके से क्या बनता है? CH3 CH2 फिर O CH2 CH3 O CH2 CH3। अब ये क्या बन गया? देखिएगा बहुत ध्यान से, इतने का नाम होता है, आपको पता है एथिल होता है और इतने का नाम भी एथिल होता है। एथिल दो बार है तो इसका मतलब डाई एथिल हो गया। ध्यान से देखिएगा इसको, डाई एथिल हो गया। और अगर आपने इसका IUPAC नहीं पढ़ा लेकिन हम आपको बताते हैं, बीच में ओ हो, इधर बॉन्ड, इस समूह को हम लोग ईथर समूह बोलते हैं। अगर किसी के बीच में सिर्फ ओ जुड़ा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग ईथर बोलेंगे। तो कौन सा है? इसका नाम होगा डाई एथिल और ईथर। तो इस ये आपको सिर्फ एक बार ही ईथर के बारे में पढ़ना है 10th क्लास में, इसलिए इसका नाम आप याद रखिएगा कि अगर ओ बीच में जुड़ जाए और आसपास आपके एल्किल समूह जुड़े हैं, एल्किल मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल, तो वो जुड़े हों तो इसका नाम ईथर लिखा जाएगा। तो ये हो गया डाई एथिल ईथर। समझ में आ गई इतनी बात? इधर भी एथिल, डाई और फिर एथिल और ईथर। अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे बताएं कि मेरे को ये क्लास समझ में आ गई है। अब हुआ क्या कि ये पूरी प्रोसेस दो हिस्सों में हो गई। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिखेंगे और लास्ट में अब ये वाली रिएक्शन इतनी लिख दीजिए, बस बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें आपको ना नंबर थोड़ा सा कम मिलेंगे क्योंकि आप पूरी बातें नहीं लिखेंगे। तो ये आपने देखा कि हमने किस प्रकार एथिल एल्कोहल में हाइड्रोजन सल्फेट डालने के बाद क्या बना दिया? डाई एथिल ईथर बना दिया। लेकिन अब हम बताएंगे इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका टेम्परेचर क्या होता है। अब देखिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, अगर आपने सबसे जो पहली वाली रिएक्शन करवाई थी उसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपने किया है, मतलब टेम्परेचर कितना रखा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, तब आपका इतना बनेगा, मतलब थोड़ा सा हाइड्रोजन यानी थोड़ा सा H2O बाहर होगा। फिर उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जैसे ही आप टेम्परेचर को 110 से 140 करेंगे तुरंत आपका डाई एथिल ईथर बन जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टेम्परेचर को और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, अगर आपने इस टेम्परेचर को 110 से 140 क्या 30 बढ़ाया, 30 ही और बढ़ा दो, कितना टेम्परेचर कर दो 140 में 30 जोड़ने के बाद 170 कर दो, मतलब टेम्परेचर कितना कर दो 170 डिग्री सेल्सियस कर दो, तब क्या होगा? बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए क्या होगा, फिर हम लोग लेंगे CH3, CH2 और OH।
अब ये जो H2SO4 होगा ये यहाँ पर किसका काम करेगा, एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा और ये एक निर्जली कारक का कार्य करेगा। आपके एग्जाम में ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है कि एथिल एल्कोहल एक निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है, रिएक्शन दीजिए। तो आपको तुरंत लिखना है कि एथिल एल्कोहल 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये सब लिखना है कॉपी में, 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर रिएक्शन करके, किससे रिएक्शन करके, एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करके H2SO4 क्या बनाता है, एथीन गैस बनाता है। इसका मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये CH3 है, ये CH2 है, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और उसके बाद अब ध्यान से देखें, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। मतलब इसने किसका काम किया, इसने काम किया निर्जली कारक का, और निर्जली कारक का काम ही होता है पानी को बाहर करना। तो आप समझ गए हैं कि ये एथिल एल्कोहल है, जैसे ही हम लोग इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर थोड़ा सा H2SO4 मिलाकर रिएक्शन करवाएंगे, तुरंत मेरा एथीन गैस मेरी बन जाएगी और साथ ही साथ उससे जितना पानी होगा बाहर निकल जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो एथिल अल्कोहल होता है, जब आप इसको, मतलब कोई व्यक्ति जब इसे पीता है तो पीने के बाद ये हमारे पेट में जाता है और निर्जली कारक का कार्य करता है, क्योंकि आपको पता है कि पेट में एसिड होता है। एसिड कहाँ से आता है, जो आप खाना खाते हैं उसमें जो पाचन होता है, और पाचन के लिए ज़रूरी होता है कि एसिड होना चाहिए। अब वो एसिड ना हमारे अल्कोहल जो हमने पी है उससे वो क्रिया करता है, और जब वो क्रिया कर लेता है तो उसकी मात्रा होने लगती है कम, और यही रीज़न है कि उपापचयी क्रिया, मतलब भोजन को जो पचने की जो क्रिया है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो कम होने लगती है। और जब वो कम होने लगेगी तो इससे हमारे जो हमारा माइंड है, जो मेरी सोचने की क्षमता है, उसमें कमी आएगी। इन सब बातों को आप अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। तो इनसे सोचने की क्षमता में कमी आएगी, हमारा जो हमारी जो तंत्रिका है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी, जो समन्वय शक्ति है, मतलब कम्युनिकेशन पावर है, वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके जो हैं बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जब आप लोगों को बायो पढ़ाई जाए तो इन सब बातों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दी जाए, क्योंकि आपको उपापचयी क्रिया ज़रूर पढ़नी है बायो में। इसलिए अब चलो इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर इसी तरीके से मिलेंगे, एसिटिक एसिड टॉपिक के साथ। इतनी ही बातें वहाँ भी डिस्कस करनी है, इसलिए अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो कृपया आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये क्लास मुझे अच्छी लगी है, और यदि आपको कोई भी रिएक्शन इसमें समझ में नहीं आई है तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि अगली क्लास में हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकें, और आप हमारे पर्सनल नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब इस क्लास को हम करेंगे समाप्त, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।